सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है। अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म होते दिख रहा है। नालंदा में एक जदयू के कार्यकर्ता की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई है और यह घटना नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र में घटी है। मृतक की पहचान चिकसौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वैरीगंज गांव निवासी स्वर्गीय बंसी बिंद के 70 वर्षीय पुत्र सोहराय बिंद के रूप में की गई है। आज सुबह कराय परसुराय थाना क्षेत्र के मलिकपुर खंधा में उनका शव मिला है। घटना की सूचना मिलने के बाद कराय परसुराय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के पुत्र ने घटना के संबंध में बताया कि उनके पिता सोहराय बिंद को बगल के गांव के रंजीत यादव बुलाया था और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनके पुत्र ने बताया कि भवानी बिघा गांव निवासी रंजीत यादव उन्हें एक मीटिंग करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उनके पिता वापस घर नहीं लौटे और आज सुबह में उन्हें पुलिस के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिता का शव खंधा में पड़ा हुआ है, जिसके बाद वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक के पुत्र ने बताया कि वो जदयू के कार्यकर्ता थे और पार्टी से जुड़े हुए थे। घटना हुआ है, बुला कर सवेरे फोन करके बुलाया कि फलना जगह धनहरुआ में आइए। धनहरुआ गए तो वहाँ से 4 बजे सर फोन किए कि बच्चा है जो कि 1 घंटा है जो कि 2 घंटा लेट होगा जो है यहाँ घर आने। तो हम कहे आइए, गाड़ी आइबे करता है टेम्पो 7 बजे तक चला आइएगा। तो साथ में सब में नहीं आए तो हम कहे कि कहीं पर परिवार उधर रहते, हम सोचे कि रह गए होंगे। सवेरे उठे तो पूछे मम्मी से कि पापा आए फोन, तो कि ना पापा नहीं आए। फोन लगाए फिर तो स्विच ऑफ बताया। तो हम कहे बैटरी वैटरी खत्म हो गया होगा। सवेरे उठे हम चले गए पटना। पटना पहुँचे तो है वहाँ पर सिंगार उंगार थोड़ा रखते हैं घर पर बेचने के लिए, तो ले रहे थे तो फोन गया अचानक कि पापा का मृत्यु हो गया। डाउट हो गया कि फोन नहीं, स्विच ऑफ बता रहा तो पूरा शक हो गया। यहाँ से बताया तो लगता हो सकता कि फोन नहीं लगे। किसने खबर दी थी कि मृत्यु हो गया? खबर तो सर घर पर एक ड्राइवर है जो गया वहाँ पर नजदीक में। आपके पापा को फोन से कौन घर से बुला के ले गया? घर से बुलाया था सर रंजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? भवानी बिघा के रहने वाले। अच्छा, कितना गोली लगा हुआ था? 7 गोली लगा। अच्छा, क्या लगता है पूर्व से कोई विवाद था? विवाद था सर, वह है कि गांव में भवानी बिघा जो है वह पूरा चोरों का भैंस चोरों का है कि अड्डा है। अच्छा, वहाँ पर नेताजी भी राहुल यादव भी जा करके उसको समझौता भी किए थे, मीटिंग भी किए थे, किया चोरी डकैती बंद करो है या यादव के नाम पर बहुत हमको बेइज्जती होता है। तो उधर 5-6 महीना रुक गया था, लेकिन इधर फिर है जो 2 साल से फिर इतना चोरी कर रहा है, हरेक नागरिक को तबाह कर रहा है। आपके पिताजी से क्या विवाद था? सर इसी भैंसी के कारण है जो कि वह लेके आ रहा था मवेशी, तो है जो कि उस गांव में जो कि बातों को था उसका है जो कि मटर हो गया था चोरी में भैंस के मवेशी में, तो उसमें हमारा पूरा परिवार को नाम दे दिया। अच्छा, उसी को विवाद को लेकर है जो कि यही आदमी नाम दिया था जो पापा घर से बुला के ले गया? जी नहीं, यह आदमी दूसरा है सर। इसको है जो कि किसी को किसी चीज को लालच देकर इसको है जो कि देखा कि उससे दोस्ती है। अच्छा, बुलवाते हैं इसके जरिए है जो कि रंजीत के जरिए बुलवाया गया। अच्छा, अब तो हकीकत है वो रंजीते बताएगा सर कि आपका हकीकत है। तो विजुअल बना, विजुअल इसका दोस्त है, दोस्ती था दोनों में। अब मैटर हुआ तो उसको जब दोस्ती था तो आना चाहिए था ना सर रंजीत यादव को, वह देखने के लिए भी नहीं आया। क्या आपको लग रहा है? लग रहा सर कि यह साजिश बनाया है रंजीत यादव बुला करके और घर में मटर। टोटल कितने लोगों पर शक है? शक तो है सर 6-7 आदमी पर शक है। नाम बताइएगा। फर्स्ट में तो सर है कसीमा यादव बोलता है, बाबन यादव है, एक बंडा यादव है और तो नहीं उतना पर है अनुमान सर, या 3-4 पर है जो कि पूरा 100% विश्वास है कि है जो कि बुलाकर घर में हत्या कर कर और खंधा में लाकर है जो कि डाला है। दोस्तों, लगातार हम अब तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।